दोस्तों आपको बता दें, इस्लाम धर्म में माने जाने वाले कैलेंडर के अनुसार 10 जुलाई को बकरा ईद का त्योहार होता है, जिसके लिए बाजारों में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बकरा ईद का त्योहार मनाए जाने के पीछे कई सारे नियम और कहानियां हैं, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देने की रस्म क्यों निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बकरा ईद के मौके पर बकरे या किसी और जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है, और आखिर कुर्बान किए गए जानवर का पूरा गोश्त खुद अपने घर पर क्यों नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि शैतान पर पत्थर मारने की वजह क्या है, और ईद बकरा ईद में क्या फर्क है। दोस्तों आपको बता दें, बकरा ईद का त्योहार पूरी तरह से कुर्बानी पर टिका हुआ है। इस दिन बिना कुर्बानी के बकरा ईद मनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। इस त्योहार की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके सामने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। बस यहीं से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू होती है। हजरत इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्रति इतना समर्पित थे कि उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने और किसी भी चीज का बलिदान देने की क्षमता रखते थे। ऐसी कहानी है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी अल्लाह के सामने दे। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज मेरी संतान, मेरा खुद का बेटा है। मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कुर्बानी के वक्त बेटे का प्यार हजरत इब्राहिम के ऊपर हावी ना हो, इस वजह से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अल्लाह का नाम लेते हुए उसके गले पर छुरी चला दी। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाया, तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने जिंदा खड़ा है और उसकी जगह पर तुम्बा यानी बकरे जैसा दिखने वाला एक जानवर मरा पड़ा है। यही दिन था जिसके बाद से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की रस्म की शुरुआत हुई। और आपको बता दें, बकरा ईद के मौके पर जिस भी जानवर की कुर्बानी होती है, रिवाज के अनुसार उसका पूरा गोश्त अकेला परिवार नहीं खा सकता। कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त के तीन हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और परिजनों में, और तीसरा हिस्सा घर में रखा जाता है। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, उस जानवर का स्वस्थ होना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वो जानवर बीमार है तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। मान्यता ये भी है कि जानवर के शरीर पर जितने ज्यादा बाल होते हैं, उसी के बराबर संख्या में नेकियां कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखी जाती हैं। आखिर क्यों मारा जाता है शैतान को पत्थर? जो लोग हज यात्रा पर जाते हैं, वो इस दौरान यात्रा के आखिरी दिन कुर्बानी देने के बाद रमी जमारात पहुंचकर शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, तो इस दौरान शैतान ने उन्हें बरगलाने यानी भड़काने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। बावजूद इसके हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी को पूरा किया, जिसके बाद से कुर्बानी और अल्लाह की राह में आने वाले शैतान के प्रतीकों को वहां पत्थर और कंकड़ मारते हैं। और दोस्तों आपके मन में ये सवाल कई बार जरूर आया होगा कि आखिर ईद और बकरा ईद में क्या फर्क है। तो आपको बता दें, ईद का त्योहार रमजान महीने के खत्म होने पर आता है। रमजान वो महीना होता है जिसे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसमें मुसलमान लगातार 30 दिनों तक रोजा रखते हैं और फिर आखिरी दिन चांद को देखकर अपना रोजा तोड़ते हुए ईद मनाते हैं। इस दौरान खुशी में मिठाइयां और सेवइयां बनाई और बांटी जाती हैं। लेकिन बकरा ईद का त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दौरान किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है और गोश्त बनाए जाते हैं, और खाने वालों के सामने गोश्त ही परोसे जाते हैं। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों इस्लाम धर्म में बकरा ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही उन सभी भाइयों और बहनों को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं जो बकरा ईद मनाते हैं।
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले।